नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति मनीष जोशी स्वागत करती हूं आप सभी का। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं होममेड सांभर मसाला बनाने का तरीका। इसके लिए मैंने यहां पे लिया है 1 कप चने की दाल, 1 कप उड़द की दाल, 1 कप सूखी मेथी, आधा कप आखा धनिया, आधा कप काली मिर्च, आधा कप जीरा और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। जैसे ही पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम जो भी सामग्री है उसे एक एक करके पैन में डालते जाएंगे और ड्राई रोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड की है चने की दाल, इसके साथ ही मैंने ऐड कर दी है उड़द की दाल। यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम धीरे धीरे से ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप सांभर मसाला बनाने का ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मार्केट वाले सांभर मसाले परचेज करना भूल जाएंगे, और अभी जो सिचुएशन है लॉकडाउन की, उसमें तो ये प्रोसीजर आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे ही चने की दाल और उड़द की दाल हल्की हल्की रोस्ट हो गई है, मैंने यहाँ पे सूखी मेथी ऐड कर दी है, साथ ही यहाँ पे जीरा भी ऐड कर दिया है। एक एक इंग्रेडिएंट ऐड करते जा रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर दी है। ध्यान रखिएगा, आप इसे रोस्ट करना बंद ना करें, ये चम्मच हिलाना बंद ना करें, नहीं तो दाल नीचे तले में लग जाएगी। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया, आखा धनिया जिसे साबुत धनिया भी कहते हैं, ड्राई कोरिएंडर सीड्स भी कहते हैं। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च ऐड की है, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च है ये सूखी हुई। यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, पर चूंकि हमारा पैन गर्म है तो इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम और रोस्ट करते रहेंगे, जो इस पैन की हीट से हमारी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो और अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह का कलर इसमें आया है। इससे ज़्यादा आप कलर कर इसको डार्क करेंगे तो इसमें जले का टेस्ट आ जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको एक तो मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है और इस तरह का कलर इसमें आ जाए रोस्ट होते होते तो गैस बंद कर देना है। अब जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं उन्हें आप एक दूसरे बर्तन में फैला लीजिए और कुछ देर के लिए ठंडा कर दीजिए। जैसे ही ये मिश्रण ठंडा हो जाएगा, इस मिश्रण को मिक्सर के जार में शिफ्ट कर दीजिए। और इसे एकदम बारीक ब्लेंड कर लीजिए। इसका एकदम बारीक पाउडर बनाना है। लगभग 2 से 3 मिनट तो मिक्सर आपको चलाना ही होगा, और डिपेंड करता है आपके मिक्सर पे वो कितनी देर चलाना होगा आपको। मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए मिक्सर चलाया है, फिर भी मुझे यहाँ पे थोड़ा पतला और थोड़ा मोटे दाने लग रहे थे, तो यहाँ पे मैंने चलनी का यूज़ किया है। आप पाउडर बना के इसे चलनी से छान लीजिए, ताकि जो पाउडर की कंसिस्टेंसी है वो पूरी एक सार हो जाएगी, और जो ये साबुत मसाले रह गए हैं इन्हें आप वापस से मिक्सर में करके दोबारा से छान सकते हैं, तो हमारा पाउडर एक जैसे फॉर्म में हो जाएगा। ये देखिए, हमारा होममेड सांभर मसाला बनके तैयार है। मसाला एकदम ठंडा हो चुका है और इसे आप अपने पसंद के किसी भी जार में शिफ्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।